हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल NS क्रिएशंस। चलिए मैं आज आपको न्यू नेक डिज़ाइन के साथ आई हूँ। एक सिस्टर ने मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज किया था और एक फ़ोटो भेजा था कि प्लीज़ आप इस ऐसे नेक डिज़ाइन बना के वीडियो बना के अपलोड करो। तो ये उनका रिक्वेस्ट है कि मैं उस नेक डिज़ाइन को बनाऊं, और ये मैं आज आपको बनाकर दिखा रही हूँ। 14 इंच का लेंथ लूँगी, 1 इंच एक्स्ट्रा, ये है 15 इंच। इसका ब्रॉड 3 इंच है। यहाँ पर भी 1 इंच का मैं एक्स्ट्रा मार्जिन ले लूँगी। और इसे 2 इंच पर मार्किंग करेंगे। और उसके बाद ऐसे लाइन बना लेंगे। और यहाँ पर भी एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे 1 इंच का। प्लीज़ हमें सपोर्ट करें और हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें। फटाफट अच्छा से कट कर लेना है। इसको फटाफट पेस्ट करने के बाद इसे कट कर लेना हाफ हाफ इंच के हिसाब से, और इसे साइड पे सिलाई करना है। सिलाई करने के बाद इसे पेस्ट करना है मेन कपड़े पे। इसे मेन फैब्रिक पे रखना है और इसके सेंटर लाइन पे एक सिलाई करना है। जब ये सेंटर लाइन पे सिलाई हो जाएगा, अब इसके कॉर्नर पे सिलाई होगा और एकदम साइड साइड से सिलाई करेंगे। ये देखिए, एकदम साइड साइड से सिलाई करना है और एकदम आहिस्ते आहिस्ते सिलाई करना है। उसके बाद इसे फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद अब मेरे नेक जितना रहेगा, आपको नेक जितना पहनना है वैसे उस हिसाब से ये मार्जिन लाइन क्रिएट करना होगा। ये जैसे 5.5 इंच का नेक पहनते हैं तो 5.5 इंच लेंगे और इसे भी 2 इंच ऊपर रखकर लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। 5.5 इंच का एक नेक बना लिए। अब उसके बाद हाफ हाफ इंच का डिस्टेंस छोड़कर इसे कट करेंगे। ये कट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये हम लोग यूज़ करेंगे पट्टी काटने के लिए। ये देखिए, ये मैं हाफ हाफ इंच छोड़ के कट कर ली। ये देखिए, यही है मेन। इसके बाद इसको फैब्रिक के ऊपर रखकर कट करना है। ये देखिए, ये मैं फैब्रिक के ऊपर रखी। फैब्रिक के ऊपर रखने के बाद ये जो 5.5 इंच का वो जो नेक था वो वही सेम मार्किंग करेंगे और साइड में 1-1 इंच एक्स्ट्रा मार्किंग करेंगे। ये देखिए, ये साइड में 1 इंच का एक्स्ट्रा मार्किंग होगा और ऊपर में जो होगा वो 1/2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन होगा। ये देखिए, ये 1/2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन। अब इसे कट करना है। ये देखिए, 1 इंच है साइड पे और ऊपर पे 1/2 इंच है। अब फटाफट इसे कट करना है। कट करने के बाद इससे भी सिलना है। ये ऊपर वाला फेंक दूंगी क्योंकि उसका काम ख़त्म हो चुका है। और ये जो 1/2 इंच का मार्जिन था इसको सिलाई करना है। ये देखिए, इसको अच्छा सा सिलाई करना है। सिलाई कर दिए। करने के बाद इसमें छोटा सा कट लगाना है क्योंकि इसे फोल्ड भी करना है इस वजह से।